महाभारत की तीसरी गलती। महाभारत की तीसरी गलती स्त्री का अपमान। किसका अपमान? द्रौपदी का, स्त्री का। स्त्री का अपमान हुआ, अपमान करने वालों का सर्वनाश हो गया। अपमान से बचिएगा, और वो भी स्त्री के अपमान से। किसी का अपमान ना हो, पर विशेष स्त्री का अपमान ना हो। महाभारत की ये गलतियां हैं। महाभारत की चौथी गलती। महाभारत में चौथी गलती हुई कि पांडवों का और कौरवों का सही सही बंटवारा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? यदि पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा देते जीता हुआ जुए में, जो कि धृतराष्ट्र ने कह दिया था कि आप 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओ, आपको लौटा दिया जाएगा। मांगा, भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर आए, नहीं माना, नहीं लौटाया। सही बंटवारा हुआ होता कि ये पांडवों का और ये कौरवों का ठीक ठीक बंटवारा कर दिया होता तो क्या महाभारत होता? उत्तर, चौथी गलती महाभारत की कि सही सही बंटवारा नहीं हुआ। तो आपको क्या सीख लेना है कि आप भी अपने मरने से पहले अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर दो, वरना तुम्हारे मरते ही तुम्हारे बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। सही सही बंटवारा करके मरना। जितने यहां एक्सपायरी डेट वाले लोग बैठे हैं, ध्यान से सुने। मरने की स्थिति अब निकट है तो बंटवारा कर दो, उचित बंटवारा। बड़े बेटे को उसका उचित हिस्सा, छोटे बेटे को उचित हिस्सा, जो है उसका सबको बराबर बराबर बांट दो। कुछ अपने पास रखना कि जो आपकी सेवा करे बाद में वो उसका होगा, वो आप अपने पास भी थोड़ा रखना, वरना बच्चे लेकर सब आपको निकाल दें, ये भी सही नहीं है। पर बंटवारा कर दो। आजकल कोर्ट कचहरी में जितने भी केस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा केस पारिवारिक केस हैं, भाई भाई के झगड़े के केस। बाप सही बंटवारा नहीं करा, बच्चे मर रहे हैं। ये दुकान मेरी, ये घर मेरा, ये प्लॉट मेरा। अरे तुम बांट के क्यों नहीं गए? ठीक ठीक। और बांटो, जब बंटवारा करो तो सारे बच्चों को बिठाओ कि भाई तुम्हें ये मिल रहा है, तुम संतुष्ट हो? तुम्हें ये मिल रहा, तुम संतुष्ट हो? सबकी संतुष्टि हो जाए, क्योंकि उन बच्चों का आपस में तालमेल बना रहना भी जरूरी है कि वो एक दूसरे के घर में सुख दुख में आते जाते रहें। और ये तभी होगा जब बंटवारा सही होगा। बंटवारे में गलती हुई तो फिर बच्चों में मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे के घर आना जाना बंद हो जाता है, एक दूसरे के शादी विवाह में सुख दुख में सम्मिलित होना बंद हो जाता। और ये गलती बूढ़ों के कारण होती है, ठीक से बंटवारा करते नहीं, पहले ही मर जाते हैं। अरे ठीक से पहले बंटवारा तो कर दो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता तो महाभारत बिल्कुल ना होता। बोलो हां या ना। तो यह महाभारत की चौथी गलती है, जो कि आपको दोहरानी नहीं है। यदि दोहराओगे तो आप भी महाभारत के लिए तैयार रहना।